अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? यस मैम। चले माशाल्लाह। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? मैम कुछ समझ ही नहीं आया, वो आवाज ही नहीं थी, पता ही नहीं है बड़ा क्या था। तो चलो आज हम इंशाल्लाह पढ़े ना, उसमें हमने जो अपने प्रीवियस थोड़े लेक्चर थे ना उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया था, तो आज हम उसको जरा देख लेते हैं क्या डिस्कस करना है। ठीक है, ओके आज हम जो हमारा 11th ऑगस्ट वर्क लेक्चर है ना उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिए? सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर, आज हम इसमें बेसिक जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, इकोनॉमिक एंड मैम सोशल आपने ये बिहेवियर। लेक्चर पोर्टल पे अपलोड कर दिया? जी किया था, आप लोगों ने देखा नहीं है? मैम ये व्हाट्सएप पे भी कर दें। अच्छा, मैं अभी इसके बाद आपको सेंड करती हूँ। ठीक है, अभी आप गौर से सुन लें पहले। हाँ, ओके। मैं उसके बाद आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। सबसे पहले जो आज के हमारे बेसिक थ्री अब वो जो टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हाफ लेक्चर भी होगा तो कोई बात नहीं, हाफ हम इसको कल पार्ट पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इसमें जो है ना आज के, व्हाट इज कल्चर, कल्चर क्या है? देखो, स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर, कम्युनिटी का जब ताल्लुक होगा तो उसकी कल्चर का लास्ट कोई ना कोई एलिमेंट होगा, क्योंकि कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, डाइवर्स किस्म की वहां पे ग्रीन होती है, वहां पे हर एक का अपना कल्चर होगा। कुछ पंजाबी कल्चर के हैं, सालकी हैं, बलोची हैं, पश्तून है, डिफरेंट डिफरेंट किसी का अपना कल्चर है जो अपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशन को उसको फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। बेसिकली कल्चर है क्या? अकॉर्डिंग टू लेनेटन, अ कल्चर इज अ कंफ्लिक्शन ऑफ लर्न्ड बिहेवियर एंड रिजल्ट ऑफ बिहेवियर हुज कंपोनेंट एलिमेंट्स आर शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। कहते ये बेसिकली वो वैल्यूज हैं जो जनरेशन टू जनरेशन सेंड होती रहती है, एक मेंबर उसको दूसरे तक जो ये वैल्यूज हैं उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ट्रांसमिट। आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? यस मैम हो रही है। जी। तो बेसिकली ये जो शेयर्ड एक ऐसे कंपोनेंट्स एलिमेंट्स हैं जो हम ट्रांसमिट करते हैं मेंबर्स को, एक सोसाइटी में जो डिफरेंट मेंबर्स के लोग हैं वो शेयर करते हैं, डिफरेंट जो वैल्यूज हैं हमारी, जो डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, कल्चर इज लर्न्ड, कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर इज बेस्ड ऑन सिंबल्स, कल्चर इज इंटीग्रेटेड, कल्चर इज डायनेमिक। आप मुझे ये बताएं कि इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? दो चीजों का साथ जुड़े होना, मतलब हाँ बिल्कुल, इसमें जो डिफरेंट इंटीग्रेशन पार्ट्स इसको। होते हैं, इंटीग्रेशन मींस पार्ट, डिफरेंट चीजों का आपस में जो कॉम्बिनेशन जो होता है। अब कहते हैं ना कि जो 9th 10th का सिलेबस है इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम मींस
उसमें डिफरेंट किस्म के आपके पास कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट किस्म के आपके पास सिलेबस होता है, बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मीन्स के इसमें जो डिफरेंट आपके पास होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। सो बस मीन्स आपके पास डिफरेंट आपकी वैल्यूज होती हैं, आपकी शनाख्त आपकी एक पहचान होती है जो एक वैल्यू एक कल्चर से दूसरे में ट्रांसमिट होती है कि आपने जो शेयर वैल्यूज है वो एक से दूसरे तक उसको कैसे ट्रांसमिटेड आपके वैल्यूज उसको करते हैं। लर्नड है कल्चर इज लर्नड यानी कि कल्चर से डिफरेंट आप वैल्यूज को लर्न करते हैं, डिफरेंट किस्म की चीजें आपको सीखते हैं शेयर करते हैं। फिर उसके बाद शेयर्ड है, शेयर्ड बीइंग की जो वैल्यूज है आपकी वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक ये वैल्यूज जो है ना वो शेयर होती है। कल्चर इज डायनामिक, डायनामिक क्या है बच्चों? कोई ऐसी चीज जो चेंज होती रहे जी, जो चेंज होती रहे, कोई ऐसी चीज जो चेंज होती है वैल्यूज जो अभी न्यू ट्रेंड्स आते रहते हैं, न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो कल्चर की वैल्यूज चेंज होती रहती है, न्यू फैशन आते रहते हैं, नई चीजें आती रहती हैं जिनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है ना वो कल्चर में उसको अडेप्ट करते हैं। नए ट्रेंड्स आ गए, नए टेक्नोलॉजीज आ गई, नए मोबाइल यूजेज आ गए, लेकिन डिफरेंट किस्म की चीजें होती हैं जो विद द पैशन ऑफ टाइम बिल्कुल हम चेंज करते रहते हैं और अपने एलिमेंट्स ऑफ कल्चर क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल। बेटे अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दे, जब मैं क्वेश्चन करूं तब आप लोगों ने माइक्रोफोन ऑन करना, ठीक है? क्रिएट्स सोशल स्ट्रक्चर बाय ऑर्गेनाइजिंग इट्स मेंबर्स इनटू स्मॉल यूनिट्स टू मीट बेसिक नीड्स। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर बाय ऑर्गेनाइजिंग इट्स मेंबर्स इन स्मॉल यूनिट्स टू मीट बेसिक नीड्स। जो सोशल स्ट्रक्चर है वो जो स्मॉल यूनिट्स तो जो बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उनको डिफरेंट यूनिट्स में डिस्कस करता है मेंबर्स के साथ। डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं, हर सोसाइटी में रहते हुए उसकी डिफरेंट नीड्स होती हैं। बेसिकली फैमिली पैटर्न, फैमिली इज मोस्टली फैमिली पैटर्न, फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नो डाउट। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो फैमिली है वो सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि फैमिली जब बाय बर्थ से लेके टिल डेथ तक हमारा जो कनेक्शन होता है वो फैमिलीज के साथ होता है, वही से हमारी जो वैल्यूज होती हैं जो हमारे यूनिट्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी कि ये वैल्यूज जो है ना वन बाय वन ट्रांसमिट होते रहते हैं। लेकिन इसमें जो हमारी फैमिली है उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। थ्रू द फैमिली चिल्ड्रन लर्न हाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एंड व्हाट टू बिलीव। कैसे फैमिली के थ्रू जब बच्चा लर्न करता है फिर उसको पता चलता है कि वो क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और उसका एक्ट क्या है और उसके बिलीव क्या है। देखिए उसके हर बच्चा फितरत से इस्लाम से पैदा होता है लेकिन उसको नहीं पता कि उसके बाद जब वो दुनिया में आता है तो उसके बाद हम जो मुस्लिम होते हैं उसके मुस्लिम वैल्यूज के साथ अजान के साथ कलमा पढ़ के बताते हैं कि नो यू आर मुस्लिम। जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदू हैं, ज्यूज हैं, हर किसी की जो अपनी वैल्यूज होता है वो उसकी जो अपनी एडेप्टेशन होती है उस कल्चर के अंदर उसकी अपनी वो फैमिली के थ्रू उसमें वो जो वैल्यूज जो है ना वो ट्रांसमिट होती है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। देखिए ये एक हैप्पी फैमिली कल्चर है जिसमें डिफरेंट लोग होते हैं के जिसमें डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के जो यूनिट्स होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं जो हमारी
जिनसे हम डिफरेंट चीजों को सीखते हैं. कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. ठीक है, ट्रेडिशन तो जो हमारे जनरेशन टू अदर जनरेशन, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इसको मूव करती रहती है. ये वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ये हमारे साथ चलती रहती है. जो ट्रेडिशन होती हैं ये कल्चरल ट्रेडिशन हैं, सोसाइटी की ट्रेडिशन हैं, घर की ट्रेडिशन हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना हमारी लाइफ के साथ इंटरकनेक्टेड रहती हैं और ये चलती रहती है. Customs and traditions क्या है? Rules or behaviors are enforced ideas of right and wrong. कहते हैं कि जो रूल जो हमारे बिहेवियर का इसमें जो इसमें हमारे बिहेवियर का बेसिक रोल है वो ये है कि किस तरीके से जो आइडियाज हम उसको राइट और उसको रॉन्ग कहते हैं. जो देखे वैल्यूज होती हैं उससे आइडिया इंसान लगाता है. जो आइडियाज होते हैं कि आप किसी भी आइडियाज पे अगर आपके अकॉर्डिंगली तो ठीक है तो आप कहेंगे यस इट इज द राइट. अगर आप नहीं होगा तो आप कहेंगे इट इज अ रॉन्ग. दे कैन बी कस्टम ट्रेडिशन रूल्स ऑफ रिटन लॉज. ये बेसिकली जो कस्टम्स जो ट्रेडिशंस और जो रूल्स होते हैं रिटन लॉज में ये बेसिकली रिटन लॉज में बेसिकली हम इनको ये रिटन फॉर्म में जो हमारे पास एक कानून होते हैं उन कानून की फॉर्म में होता है जिसको हम बेसिकली फॉलो करते हैं. ये देखें क्या हमारी कस्टम्स और ये ट्रेडिशंस क्या है. डिफरेंट कल्चर डिफरेंट जो वेडिंग सेरेमनीज हैं हर किसी की अपनी वैल्यूज हैं. किस तरीके से जो अपनी वैल्यूज को वो फॉलो कर रही हैं. रिलीजन. रिलीजन देखें बेसिक एलिमेंट का क्या है हमारी सोसाइटी में हमारी लाइफ में हमारी जिंदगियों में. के आंसर्स बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ. फिलोसफी आप लोगों ने पढ़ी होगी इसमें जो बेसिक पार्ट यही है कि जो क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना बेसिकली. के स्पोर्ट्स वैल्यूज दैट ग्रुप्स ऑफ द पीपल फील आर इम्पॉर्टेंट. जिसमें बेसिकली स्पोर्ट्स वैल्यूज क्या है कि दैट ग्रुप्स ऑफ पीपल की जहाँ पे जो लोगों की अहमियत है उसकी फीलिंग जो है वो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. बहुत उनका बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. रिलीजन इज ऑफन अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कल्चर. कहता है कि जो रिलीजन है ये एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है कल्चर्स के दरमियान. ये एक डिफरेंट होता है. देखें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कैसे होता है. कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कैसे होता है. अब जो कंडीशन है एक बनी हुई है हमारे नोआडेज के जो साझेदारे खतरनुबत पे वो नारा लगा के किस तरीके से वो अपने साइड से उनके जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है. जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन लिया जाता है बेसिकली कि वो वायलेंस फैला रहे हैं तो वो अपनी तरफ से ठीक है. इट्स मीन ये नहीं है कि वो सुल्तान की जात के ऊपर उनका ईमान नहीं है. ये जो पंडित जाती है उनका सुल्तान की जात से ईमान नहीं है. ईमान तो बेसिकली उनका होता है लेकिन जो फिरका वारियत है बेसिकली वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है. कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही तब होती है जब हमारे पास एक डिफरेंट लोगों की राय डिफरेंट सिचुएशंस में आए और डिफरेंट जो क्रिएशन था वो उसका बाइस बने कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बन पड़े. ये किस तरीके से एक मैं कह रही हूँ कि जनाब नमाज का तरीका ये अदर जो फिरका वारियत के लोगों को कहते नहीं नमाज का तरीका ये कि ये बेसिकली फॉलो नहीं करते कि इसमें बेसिक जो सुबह वो सुन्नत क्या है जिसके अकॉर्डिंग हमें नमाज पढ़नी चाहिए. अब उसके बाद भी वो जो आ जाती है फिका जो आ जाता है तो फिका में भी कुछ लोग कहते हैं हम इब्ने दाऊद पे उनकी जो राय है उस पर फोकस करते हैं इब्ने माजा की फोकस करते हैं तिर्मिज़ी की करते हैं. उसमें जब आ जाती है जब राय आ जाती है उस राय से जो डिफरेंट वो बेसिकली मेरा तरफ है.
तो ये चीजें जो बेसिकली हैं ये कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बनती हैं। ये देखिए हर किसी का अपना रिलीजन है, उसकी अपनी एक वैल्यूज है, उन वैल्यूज को कैसे क्रॉस किया जा सकता है कि जो हम मुस्लिम हैं हम कहते हैं नमाज पढ़नी है, जो हिंदू है वो कहते हैं हमने देवताओं की पूजा करनी है। हर एक का एक अपना कल्चर है, वो उसी कल्चर को जिस तरीके से फॉलो करते हैं ये उनकी अपनी वैल्यूज है। लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द कंसर्न ऑफ कल्चर। All cultures have a spoken language, even if there are no developed form of writing. People who speak the same language often share the same culture. कहते हैं कि इसका हर एक कल्चर की अपनी एक जुबान है, अपनी लैंग्वेज है, बेशक वो एक प्रॉपर रिटन फॉर्म में ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसमें कल्चर की जो एक वैल्यूज है, हर कल्चर की अपनी एक कोई ना कोई जबान जो जरूर होती है, जिसमें कहते हैं कि जो सेम लैंग्वेज के लोग होते हैं उनमें जो बेसिकली वैल्यूज हम उनका ऑलमोस्ट जो कल्चर है वो सेम ही होगा। कि अगर पश्तून है तो पंजाबी है तो दोनों का कल्चर तो डिफरेंट होगा, क्योंकि हम पंजाबी को जो पश्तून है उसकी समझ ही नहीं आएगी, तो उनका कल्चर जो है ना वो हमारे कल्चर के साथ मैच नहीं करेगा। अगर लैंग्वेज सेम है कहीं पे आ रही थी स्टूडेंट्स के, वहां पे जो उनका कल्चर है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बेशक उसमें थोड़ी ऊंच नीच जरूर हो लेकिन उसमें ऑलमोस्ट सेम ही होगा। इंग्लिश क्या जैसे डिफरेंट है, इंग्लिश है, चाइनीज है, स्पेनिश है, जापनीज है, फ्रेंच है, रशियन है, कोरियन है, जर्मन है, अरेबिक है, बहुत सारी लैंग्वेज है जो हर एक की अपनी है। तो आर्ट्स एंड लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर क्या है आप लोगों को पता होगा कि आप लिटरेचर पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर पढ़ें, लिटरेचर से रिलेटेड जो आपको स्टडीज मिलती है वो पढ़ें। जब आप लिटरेचर और आर्ट से रिलेटेड स्टडीज पढ़ते हैं बच्चों, आप लोगों के मेरी वॉइस क्लियर है? मैम कट कट के आ रही है, कट कट के आ रही है। आप ठीक है? जी मैम आप ठीक है। ओके, आर्ट एंड लिटरेचर क्या है? एंड देयर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द ह्यूमन इमेजिनेशंस, जो बेसिकली दे हेल्प अस पास ऑन द कल्चर बेसिक बिलीफ। कहते हैं कि दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द ये एक ह्यूमन इमेजिनेशन होती हैं। आप लिटरेचर पढ़ते हैं बेसिकली उसमें ज्यादातर स्टोरीज होती है, हिस्ट्रीज होती है, स्टोरीज, हिस्ट्री का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता लिटरेचर से। बेसिकली जो इमेजिनेशन ह्यूमन इमेजिनेशन स्टोरीज होती है, दे हेल्प अस पास ऑन द कल्चर बेसिकली। कहते हैं बेसिकली ये जो हमें जो कल्चर बेसिक बिलीफ है वो पास करते हैं मॉडर्न जनरेशन को। रीजन एग्जांपल्स क्या है? आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर एंड फोक आर्ट्स। देखिए इसमें भी जो डिफरेंट हर एक के स्लाइड्स के साथ आप लोगों को पिक्चर जो है वो अपनी एक आकाशी करती नजर आएंगी। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है?
people from governments to provide for their common needs, each orders within society and protect their society from outside threats. जो बेसिकली एनवायरनमेंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी कॉमन जो नीड्स हैं, उन्होंने विदन सोसाइटी उसका एक ऑर्डर जो मेंटेन रखना होता है एंड जो अपनी सोसाइटी है उसको प्रोटेक्ट भी करना होता है कि जो आउटसाइडर थ्रेट्स होते हैं उसको कैसे जो प्रोटेक्ट करना है, यानी कि जो अपनी वैल्यूज हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट अदारे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं, डिफरेंट जो अपने लॉज है उसको पूरा कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने उसकी नीड्स को जो बेसिक कैसे फुलफिल करना है. डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या है? वन पर्सन पीपल हु होल्ड पावर इन अ सोसाइटी. पर्सन पीपल हु होल्ड पावर, जो सोसाइटी में कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास कोई बेसिक पावर को होल्ड रखता हो, सोसाइटी लॉज एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जिसमें सोसाइटी के लॉज और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं बेसिकली वो भी फॉलो करते होंगे. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? मिनोरिटी है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, कम्युनिज्म है, नॉरिटी है. देखिए हर कल्चर का एक अपना मिनोरिटी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑलमोस्ट ऑफ द पावर इज द हैंड ऑफ वन इंडिविजुअल. कहते जो मिनोरिटी में इसमें बेसिकली जो अथॉरिटी और जो पावर है बेसिकली एक इंडिविजुअल के पास होती है, जो एक इंडिविजुअल की बेसिकली उसमें अथॉरिटी को उस रूल्स को फॉलो करता है. डेमोक्रेसी क्या है? बेसिकली जो हम जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, a system in which the power is shared by all the people, government by the people. इसमें लोगों की राय से हम किसी इंसान को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे वोट की पावर से जो हम अपने लोगों को डिफरेंट अथॉरिटीज के पीपल हमको अथॉरिटी के जो पीपल है हम उनको लेके आते हैं. तो डिक्टेटरशिप क्या है? इसमें जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, इसमें जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है एक पर्सन के पास होता है. कम्युनिज्म क्या है? इज द डॉक्ट्रिन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द लाइबेरियन ऑफ द कॉर्लेट, जो बेसिकली चाइनीज में होता है. इनऑरिटी क्या है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, इसमें गवर्नमेंट का रोल कम और जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है उसमें ज्यादा होती है. इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली क्या है? हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड नीड्स. कहते हैं कि किस तरीके से जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे आपने यूटिलाइज करना है, जिसमें जो आपकी नीड्स और जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनको कैसे सेटिस्फाई किया जा सके. आंसर द बेसिक क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है. क्या प्रोड्यूस करना है एंड हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है एंड होम और कौन इसको बेसिकली प्रोड्यूस करेगा, किस पर्पज के लिए करेगा. मार्केट इकोनॉमी क्या है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी गुड्स और सर्विसेज है उसको कैसे बाई करना है, किस तरीके से उनकी सेलिंग करनी है, उसके जो प्रोसेस है वो क्या है. इसमें जो डिफरेंट रुपीज डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास उसकी होती हैं कि थाउजेंड्स में, हंड्रेड में, 500 में, मिलियन में, बिलियन में, डिफरेंट फॉर्म है हमारे पास इसकी जो हम बेसिक इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट क्या है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारा फर्स्ट थ्री हमारे पास टॉपिक्स है, पहला क्या था हमारा कि एलिमेंट्स ऑफ कल्चर क्या है, दूसरा क्या था इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट क्या है, और थर्ड क्या था लाइफ स्किल क्या है. जैसे कि फर्स्ट हमने उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि कल्चर क्या है, कल्चर वैल्यूज क्या है, कल्चर की जो ट्रांसमिशन ऑफ जो कल्चर है वो क्या है, उसके बाद गवर्नमेंट के फंड्स क्या हैं, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट क्या है.
कल्चर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को बच्चों समझ में ना आई हो? मीर मनाहिर ये कहाँ पे आप सब? मैम आ गई समझ। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि कल्चर क्या है, गवर्नमेंट के फॉर्म क्या है? अब हम उसको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पर डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन जो आपको ना समझ में आया हो? नो मैम। ओके शमीर आपको समझ में आ गया बेटे? यस मैम। ओके ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? प्रोग्रेस इन एन इकोनॉमी आर द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ दिस। कहते हैं कि जो इकोनॉमी होती है उसमें जो क्वालिटेटिव मेजर्स को हम देखते हैं, लेकिन जो सोशल डेवलपमेंट जो बेसिकली होती है ना इसमें, वो हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर्स नहीं होती है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमी की जो कुछ चीजें हैं वो हमारे पास क्वांटिटेटिव में क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी होती है, मींस के जो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हमारे पास होती है। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूजुअली रेफर्स टू द अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है बेसिकली? जिसमें हम जो न्यू टेक्नोलॉजीज की अडॉप्टेशन और वो करते हैं ट्रांसमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड टू इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी एंड जनरल इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स के मीन्स के नई चीज़ों की नई टेक्नोलॉजीज की जब हमारे पास अडॉप्टेशन हम करते हैं तो डिफरेंट जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो या इंडस्ट्री बेस्ड हो जिसमें जो जनरल इम्प्रूवमेंट होती है कि जिससे हम जो अपने लिविंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। हम किस लिए ये सब कुछ करते हैं, स्ट्रगल किस लिए करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं? कि हम जो बेसिकली जो वन अपने जो लिविंग स्टाइल है, जो अपने बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। जो हमारी नीड्स हैं वो क्या हैं उसको हम किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं? जो इकोनॉमिक बेसिकली इकोनॉमिक का तो पर्पज यही है कि हम जो हमारी ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज हैं वो क्या है और हम उनको किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या है? सोशल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन हाउसिंग ड्रिंकिंग वाटर्स। कहते हैं सोशल डेवलपमेंट क्या है कि सोसाइटी से रिलेटेड जो भी नीड्स और जो इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, जैसे सोसाइटी की नीड हेल्थ है, हमारे हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होनी चाहिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई जेंडर वाइज मिस ना हो, वहाँ पे इक्वलिटी हो, वहाँ पे बच्चे जाएं और अपनी जो तालीम है उसको हासिल कर सकें। देन उसके बाद जो उसका जो हाउसिंग है, हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाएं, जिन लोगों के पास ये फैसिलिटीज नहीं है वो उनको वो तमाम चीज़ें बेसिक जो नीड है वो प्रोवाइड की जाएँ। पानी पीने वाला बिल्कुल साफ होना चाहिए, सीवेज का सिस्टम ठीक होना चाहिए ताकि अगर पानी साफ होगा तो उसको लोगों की बेस्ट हेल्थ के सर्विसेज हैं वो बेस्ट होंगी। देखिए सबसे पहले कि सोशल डेवलपमेंट पे बेसिकली जो नीड्स होती हैं उनको फोकस करके उसके ऊपर ज़्यादा हम इसलिए करते हैं कि जो बेसिक नीड्स सोसाइटी की हैं, मीन्स के हेल्थ एजुकेशन हाउसिंग एजुकेशन सिस्टम ड्रिंकिंग वाटर जो हमारी स्ट्रीट क्राइम है वो कम से कम हो, ये तमाम जो है एंड द सोशल स्टेटस आर द गोल है। सोशल स्टेटस कितना भी है, तमाम जितने भी इसमें एलिमेंट्स आते हैं वो तमाम की नीड्स को फुलफिल करता हो। इम्प्रूवमेंट इन देम मे बी इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहते हैं कि जो इसमें बहुत सारे जो इनडायरेक्टली है उनका ताल्लुक आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ भी है।
improvement in them may be indirectly related to economic development, because if income increase, people can enjoy better health, education, nutritional food and housing societies. देखें जितनी भी इसका जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उससे जो हमारी इनकम है वो इंक्रीज होगी, पीपल जो बेटर हेल्थ है उसको इंजॉय कर सकेंगे, एजुकेशन सिस्टम बेस्ट होगा, हमारा जो न्यूट्रिशनल फूड और जो हाउसिंग थिंग्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगी, उन मांग का ताल्लुक जो हमारी सोसाइटी रिलेटेड जो बेस्ड नीड्स हैं उनके ऊपर होता है. देखें ये क्या है बेसिकली, जो बेसिक नीड्स हैं सोसाइटीज की उसके साथ उनका ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करती है. बेसिकली सोशल डेवलपमेंट में जो बहुत सारी वेलफेयर सोसाइटीज भी हैं जो काम करती हैं, जो डिफरेंट इतना काफी नहीं है. जी बेटे मैंने कहा इतना काफी नहीं है. सॉरी क्या मैम कह रही है, इतना बहुत नहीं है आज के लिए. 40 मिनट पूरे होने दे, बस मेरा ख्याल है 7-8 मिनट रह गए, 8 मिनट रह गए. जी ओके ओके मैम. थक गए हो आप तो बड़े सुकून से सुन रहे हैं और मैं देखें बोल भी रही हूँ. मैम हमारा एग्जाम कब है? एग्जाम्स बेटे अभी कंफर्म नहीं है, जो भी अपडेट्स होगी मैडम से मैं पूछ के मैं आपको कंफर्म बताऊंगी. मैम मैं अभी तो कह रही थी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक. नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक ओके तो अल्लाह खैर करे हो जाएगा इंशाल्लाह. ओके चलो इंशाल्लाह कल हो जाएगा. इसमें जो बेसिक टॉपिक है हमारे ये दो हैं, कल हम लाइफ स्किल को डिस्कस कर लेंगे. आज जो बेसिक है हमारे दो हैं, जो दो हैं वो क्या है वो आज जो बेसिक लाइफ स्किल है इसको हम कल डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो आज का हमारा है वो ये जो टू टॉपिक्स हैं कल्चर और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. इकोनॉमिक की कंडीशन डिफरेंट है, सोशल डेवलपमेंट की कंडीशन डिफरेंट है और जो कल्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. बिकॉज हम जब एक सोसाइटी में रहते हैं इन तमाम चीजों का आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन है. हम सोसाइटी में रहते हुए हमें इकोनॉमिक की नीड है, जब तक हमारे पास हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी हमारी जो सोसाइटी की नीड्स हैं हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो कैसे फुलफिल होंगी. जब तक हमारी बेसिक नीड फुलफिल नहीं होंगी हम कैसे जो बेसिक नीड्स हैं हम उसको कैसे बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उनको हमें फुलफिल करने. और सोशल जब तक हम हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी तो डेफिनेटली जो हमारी सोशल डेवलपमेंट है वो भी अच्छी होगी. जितने भी हमारे ये वाटर ये सेवर ये हाउसिंग मार्केटिंग जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इन तमाम का ताल्लुक बेसिकली जब आप कहते हैं घर का अगर आप कोई भी अपना आप स्टेटस अप करना चाहते हैं उसके भी हाइंड आपकी इकोनॉमी होती है. अगर आपके घर का स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा या आपको स्टेटस को आप जिस स्टेटस को आप चाह रहे हैं वो मीट नहीं कर पा रहे तो उसके बिहाइंड भी आपकी इकोनॉमी होगी, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं और जो हमारे विसाइल हैं वो इतने होते हैं कि जितने हम अपने आप को अपडेट कर सकें. अगर नहीं है तो जो हमारी लिविंग कंडीशन है जो डेली बेसिस पे हम रह रहे हैं उसी के ऊपर हमारा फोकस होगा बेसिकली कि हम जिस तरीके से रह रहे हैं वो क्या कंडीशन है क्या नहीं. तो ये जो हमारे पहले लेक्चर्स थे जो मैंने पोर्टल पे अपडेट किए हुए हैं मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने पढ़ने हैं ये, फिर भी मैंने पहले ये रिकॉर्डिंग की थी लेकिन आप लोगों ने कहा इसकी चीज समझ नहीं आई तो मैंने दोबारा आप लोगों को ये पढ़ा दिया. अदरवाइज अगर जितनी मेहनत से मैंने रिकॉर्डिंग करके पोर्टल पे अपडेट किया था अगर आप लोग सुनते तो आपको इस चीज़ की जरूर समझ आ जाए.
लेकिन आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन आंसर सेशन है वो नहीं, वो जितने भी पोर्टल पे लेक्चर अपडेट किए आप लोगों ने नहीं सुना। नहीं मैम सुने थे मैम, वो ना वॉइस बहुत, जो ऑडियो थे ना उसमें वॉइस बहुत ज्यादा आहिस्ता थी, समझ नहीं आ रही थी। इतनी इस दफा तो वो सारी पहले लेक्चर्स में जितनी वॉइस क्लियर ही नहीं थी, इन वाली जो वीडियोस में इसमें तो वॉइस बहुत क्लियर थी, बल्कि जो पहले होते थे उनमें इतनी वॉइस लो होती थी क्योंकि हम तो विदाउट माइक्रोफोन करती थी, और अब तो माइक्रोफोन के साथ किए हैं और जितने भी किए हैं उसमें उसकी वॉइस जो है वो अच्छी है। चलो फिर भी आप लोगों ने इसको पढ़ लेना अच्छे से, जो लेक्चर्स हैं साथ साथ अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। आई थिंक सो कि मेरा नहीं ख्याल कि जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन होंगे, फिर भी पता नहीं, कह नहीं सकते। अगर ईद से पहले हो गए तो फिर ऑनलाइन होंगे, अगर ईद के बाद हुए तो इट मीन्स कि आपके ऑन कैंपस होंगे, तो उसके लिए आपको फुली प्रिपेयर होना होगा। मैम ये कंफर्म नहीं है हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन? अभी मेरा ख्याल नहीं है कंफर्म, अभी हमारी मीटिंग है दोबारा, उसमें शायद कंफर्म हो जाए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। मैं मैडम स्मरा से कंफर्म करूंगी, फिर उसके बाद आप लोगों को गाइड करूंगी कि इसका क्या स्टेटस है। मैम स्मरा ने कहा था कि अप्रैल के लास्ट वीक में होंगे फाइनल एग्जाम, फर्स्ट या मई के फर्स्ट वीक में। इट्स मींस कि मई के फर्स्ट वीक में है तो फिर हम जान नहीं होंगे, फिर आप लोगों को आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला होपफुली। लेकिन एग्जाम्स से के लिए आपको तैयारी करनी होगी, लेक्चर्स पढ़ने होंगे और अभी तक जो चलेंगे वीडियोस में तो हम ये डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग भी हमें अपलोड करनी है। उसके बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट करना, जिसमें आपने अपनी जो असाइनमेंट के टॉपिक्स हैं वो भी, अभी आप लोगों ने किसी ने कोई असाइनमेंट के टॉपिक्स भेजे वो आपने इसके बाद फ्री होके आपने मुझसे डिस्कस करना है, तो मैंने आपको वो उसके टॉपिक्स वगैरह भी बता दूंगी जो आपने मुझे असाइनमेंट में। मैम आप ग्रुप में असाइनमेंट के टॉपिक्स बता देना हमें। जी मैं आप लोगों को बता दूंगी बिल्कुल। और उसके बाद आप रेडी रहिए। चलिए आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर गुड बाय, दो मिनट रह गए हैं, अगर क्वेश्चन आंसर है तो पूछ लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर भी अफ्तारी की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, बेस्ट विशेस। ओके बच्चों, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। Allah please, Allah please. कितना टाइम लगता है?